इस चैनल पर हाइट से रिलेटेड 10 प्लस वीडियोस एंड कॉमनली कंफ्यूजन एंड डाउट क्रिएट होना तो नॉर्मल सी बात है। एंड जब तक आप इन डाउट एंड कंफ्यूजन से घिरे रहोगे, लिख के ले लो, आपकी ग्रोथ भी आधी अधूरी होने वाली है। सो आपके डाउट एंड कंफ्यूजन को क्लियर करने वाली इस चैनल पर Q&A की फर्स्ट वीडियो, सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग होती है धर्मवीर भाई से एंड ये पूछते हैं कि एक मेल की एंड एक फीमेल की परफेक्ट हाइट क्या होनी चाहिए और ये कब से कब तक बढ़ती है। तो ब्रो, एक मेल की परफेक्ट हाइट होनी चाहिए 6.2 एंड फीमेल की 5.8, और एक मेल की हाइट 14 इयर्स से 21 इयर्स तक बढ़ती है एंड फीमेल की 13 इयर्स से 18 इयर्स तक। बट अगर आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज डाइट वगैरह लेते हो तो एक मेल की हाइट 23 इयर्स तक एंड एक फीमेल की हाइट 21 इयर्स तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ब्रो पूछते हैं कि क्या 8 घंटे सोना जरूरी है अगर हाइट बढ़ानी है तो। हाँ ब्रो, हाँ, अगर आप टीनेजर हो तो 8 आवर्स की थर्ड स्टेज ऑफ स्लीप लेना बहुत जरूरी है, बट अगर आप 20 प्लस हो तो 7 आवर्स इट्स ओके। थर्ड क्वेश्चन, शार्क एक्स गेमर पूछते हैं कि नाइटफॉल से हाइट रुकती है, मेरा 1 मंथ में 4 बार होता है। तो देखो ब्रो, इस उम्र में सेक्स हार्मोन पीक पे होते हैं तो नाइटफॉल होना कॉमन सी बात है, बट अगर ये आपके साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बाकी नाइटफॉल एंड हाइट ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है, आपकी हाइट नहीं रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल जोन पूछते हैं कि क्या पुशअप करने से हाइट रुकती है। नो ब्रो, पुशअप से ना तो हाइट रुकती है एंड ना ही बढ़ती है। पुशअप एक कंपाउंड एक्सरसाइज साइज है मसल बिल्डिंग के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, रियल मी भाई पूछते हैं कि मुझे अपनी हाइट कम करनी है, क्या करूं। देखो भाई, आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो या बढ़ती हुई हाइट को रोक सकते हो, बट आप अपनी ऑलरेडी बढ़ी हुई हाइट को घटा नहीं सकते हो। अगर आप थोड़े स्किनी हो तो अपनी बॉडी में थोड़ा मसल मास गेन कर लो, पर्सनैलिटी नेक्स्ट लेवल लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इसी टाइप की Q&A वीडियो हर 2 से 3 हफ्ते में रखी जाए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई आर्टी लाइफ पूछती है कि मैं 15 साल की लड़की हूँ, मेरी हाइट 2 साल पहले ही बढ़ने रुक गई है, मुझे कोई पिल्स बताओ जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। देखो सिस्टर, अभी आपके पास ये गोल्डन टाइम है हाइट इंक्रीज करने के लिए, तो आप एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट एंड कुछ मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताई है तो उन पर ध्यान दो, और ये पिल्स वगैरह के बारे में तो सोचना भी मत और किसी के चक्कर में भी मत आ जाना, ये आपके हार्मोन्स को इम्बेलेंस कर देगी, सो बी केयरफुल। सेवेंथ क्वेश्चन, निशांत भाई पूछते हैं कि भाई मैं 15 साल का हूँ और हाइट 5.4, मैं मास्टरबेशन भी काफी करता था पहले बट अब उतना नहीं, तो क्या मेरे ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो गए होंगे। नो ब्रो, आप टेंशन मत लो, आपके ग्रोथ प्लेट्स अभी क्लोज नहीं हुए होंगे, बट हाँ, मास्टरबेशन आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ में रुकावट डालता है, क्योंकि गाइस होता क्या है, जब भी आप मास्टरबेट करते हो तब आपकी बॉडी में से एक ही बार में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड प्रोटीन, इतने सारे मिनरल्स एक ही बार में निकल जाते हैं। तो अब आप ही बताओ कहां से आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी और कहां से आपकी हाइट बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RN एडिक्ट्स पूछते हैं कि सर, दस अश्वगंधा लेना इज ओके। यस ब्रो, ये आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा, सो आप इसे ले सकते हो बट लिमिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी कुमार पूछते हैं कि स्क्वाट एक्सरसाइज से हाइट रुकती है या नहीं। इसका आंसर दोनों है, रुकती भी है एंड नहीं भी। अगर आप नॉर्मल स्क्वाट्स करोगे विदाउट वेट तो आपकी हाइट नहीं रुकेगी, बट जिम में अगर आप वेटेड स्क्वाट्स लगाते हो तो हाँ, आपकी स्पाइन कंप्रेस होगी एंड आपकी हाइट रुक जाएगी। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, आयुष भाई पूछते हैं कि भाई सम एक्सरसाइजेस बताओ। तो ब्रो, इस वीडियो को क्लिक करो एंड जान लो, वैसे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।